सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई में रविवार को कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। रविवार को ये संख्या 23 से बढ़ गई है। जिस क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ वो इस प्रकार है। सीउड सेक्टर 50 स्थित एक व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसी परिवार के 6 पुरुष एवं 3 महिलाओं का रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाया गया। कोपरकेरने सेक्टर 23 के एक 37 वर्षीय व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहाँ पे MIDC में बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत 19 कर्मचारियों का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था, जिसमें 8 कर्मचारी नवी मुंबई के थे। अब उसी कंपनी के 26 वर्षीय व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, जो घनसोली का निवासी है। नेरुल शिवाजी नगर के 60 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। उसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 38 वर्षीय पुरुष एवं 32 वर्षीय महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। कोपरखेरना सेक्टर 2 के 28 वर्षीय महिला का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। ये महिला मुंबई स्थित शताब्दी अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर कार्यरत है। तलौली गांव की 21 वर्ष की गृहिणी महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। सेक्टर 1A शिरव ने नेरुल के पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, जो मुंबई के बैंगनवाड़ी पुलिस थाने में कार्यरत है। सेक्टर 5 सानपाड़ा के रहने वाले 35 वर्षीय कैमरामैन एवं उनकी पत्नी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। तुर्बे सेक्टर 19 स्थित स्वीकार होटल के 25 वर्षीय वेटर का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। नेरुल सेक्टर 20 स्थित तेरना अस्पताल में क्वार्टर में रहने वाले 30 वर्षीय वार्ड बॉय का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। सेक्टर 11 जुहू गाँव के 33 वर्षीय एक व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। सेक्टर 16B वाशी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये महिला सामाजिक कार्यकर्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।